तो इस मामले में तो मैं भगवंत मान साहब के पास सवाल करता हूँ। 270 हो गए, जवाब नहीं आया। बताओ मान साहब, ये रेत माफिया कौन चला रहा भाई? हाँ, ये दारू माफिया कौन चला रहा भाई? वो जो केबल वाला था गुरु, ठंडे पड़ गए हैं? क्योंकि यही जीएसटी के बाहर है। अगर आमदनी नहीं तो प्रॉपर्टी कहां से? इसलिए इसमें किसी को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने पंजाब का पैसा मारा है तो इस मामले में तो मैं भगवंत मान साहब के पास सवाल करता हूं। 270 हो गए, जवाब नहीं आया। बताओ मान साहब, ये रेत माफिया कौन चला रहा भाई? हैं, ये दारू माफिया कौन चला रहा भाई? हैं, ओ माफिया, वो जो केबल वाला था गुरु, ठंडे पड़ गए हैं? क्योंकि यही जीएसटी के बाहर है। यही शराब, पेट्रोल, डीजल 3 रुपए बढ़ा दिए, उधर से फ्री बिजली, एक जेब में डालो दूसरी से निकालो, ठीक है? रेत माफिया 15,000 की ट्राली जड़ी 3,000 की मिलती थी, ठीक है कि नहीं? बाढ़ खतरा आने से पहले टाला जा सकता है, बाद में आप अपने पजामे गीले करके दिखाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक बात याद रखना, सेम नालों की क्लीनिंग होनी चाहिए थी, ड्रेनेज जितनी है उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए थी। फ्लड कभी नहीं आता अगर चो साफ होते, फ्लड कभी नहीं आता अगर एक फंड आता है सेंटर की तरफ से, उसका इस्तेमाल किया जाता। कैलामिटी फंड आता है, कोई कितने पैसे लगे उसके, हाँ जब फ्लड आ जाएगा हर बंदा घुसेगा किश्ती में। अब फोटो मान साहब की भी फोटो शूट हो रही थी, जाकर साहब ने डाली है, मुझे अच्छी लगी। किश्ती नहीं डगमगाई, सरकार डगमगा गई।